हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, टैली प्राइम सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की यह वीडियो टैली प्राइम की है। टैली प्राइम के अंदर जब भी आप लेजर्स को डिलीट करना चाहते हैं, यानी लेजर को डिलीट करना और कंपनी को डिलीट करना, ठीक है, तो दोनों में एक चीज है कॉमन कि आप लेजर को भी डिलीट करने के लिए अल्ट डी प्रेस कर सकते हैं और कंपनी को भी डिलीट करने के लिए टैली प्राइम के अंदर आप जो है अल्ट डी शॉर्टकट की प्रेस कर सकते हैं। अब ये कैसे होगा आइए देखते हैं। यहां पर आते हैं और यहां से चलते हैं अल्टर पर, क्योंकि ये गेटवे ऑफ टैली टैली की मेन मेन्यू होती है। और अल्टर पे जैसे ही जाते हैं तो यहां पर आपको बहुत सारी चीजें दिखाई देंगी, इसी में एक होगा लेजर। तो पहले तो चलते हैं लेजर को डिलीट करके देखते हैं कि ये लेजर डिलीट होता है या नहीं। तो यहां देखिए बहुत सारे लेजर्स बने हुए हैं, ठीक है। तो इसमें से एक लेजर है डिस्काउंट एट द रेट 2.5। इसी लेजर को डिलीट करते हैं तो अल्ट डी प्रेस करेंगे। देखिए जैसे ही अल्ट डी प्रेस कर रहे हैं तो क्या ये डिलीट हो रहा है? नहीं हो रहा है डिलीट, ठीक है। लेकिन डिलीट तो होगा, ठीक है, डिलीट कैसे होगा और ये डिलीट क्यों नहीं हो रहा है दोनों में? अब देखिए यहां पर ये एक लेजर है सन रेडिएटर पार्टी का, तो अल्ट डी प्रेस करते हैं तो देखिए ये तो डिलीट हो रहा है, ठीक है। आप देखिए डिलीट वाला ऑप्शन भी खुल के आ गया। आप यहां से वाई प्रेस कर देंगे, ये डिलीट भी हो जाएगा। तो यहां पर ये डिलीट हुआ, लेकिन दूसरा वाला लेजर क्यों नहीं डिलीट हुआ? ठीक है, कंपनी तो डिलीट हो जाएगी, ठीक है। जैसे आप कंपनी को डिलीट करना चाहेंगे तो यहां से आपको क्या करना है, कंपनी को डिलीट करने के लिए आप यहां से पहले तो यहां से F3 प्रेस कीजिएगा। और F3 प्रेस करने के बाद जिस भी कंपनी को आपको डिलीट करना है उसे अल्टर कर लीजिएगा। जैसे मान लीजिए इंडियन शॉप है कंपनी, इसी को डिलीट करना है तो अल्ट डी प्रेस करेंगे तो देखिए डिलीट हो जाएगी कंपनी। लेकिन लेजर क्यों नहीं डिलीट हो रहा है, सवाल ये है, ठीक है। तो लेजर इसलिए नहीं डिलीट हो रहा है क्योंकि आप किसी कंपनी में उस लेजर का यूज कर चुके हैं, इसी वजह से वो लेजर डिलीट नहीं हो रहा है, ठीक है। कंपनी तो डिलीट हो जाएगी पूरी की पूरी अल्ट डी प्रेस करने से, लेकिन लेजर डिलीट इसीलिए नहीं होता है क्योंकि आपने उसका यूज किया हुआ है। आप कहां यूज किया हुआ है मैं दिखाता हूं। जैसे मान लीजिए यहां पर अल्टर किया मैंने और एक लेजर उठाता हूं, जैसे डिस्काउंट एट द रेट 2.5 है, इसे ओपन करता हूं और यहां पर अल्ट डी प्रेस करता हूं तो ये डिलीट नहीं हो रहा है। तो डिस्काउंट एट द रेट 2.5 का कहीं ना कहीं यूज किया गया किसी न किसी एंट्री में, जिसके चलते ये डिलीट नहीं हो रहा है। तो आप कैसे आ रहा है, तो यहां पर जब आप देखेंगे ना तो डेट आपको 31 मई दिख रहा है, ठीक है, 2023। तो हम चेंज करेंगे ना, यहां से जाएंगे अल्ट F2 करेंगे और यहाँ 1 अप्रैल से मतलब आगे लास्ट तक की डेट देखेंगे, ठीक है। 1 अप्रैल 2023 से लेकर कहाँ तक जाएंगे, 1 अप्रैल 2023 हो गया और एंटर करेंगे और यहाँ पे कर देंगे 30/3/2024, ठीक है। तो ये देखिए ये इतने सारे, अब इसमें देखना है कि इसमें कहीं डिस्काउंट तो नहीं दिया गया है, तो इसमें तो काफी सारे हो गए हैं। तो अब मैं आपको बता देता हूँ, हालांकि ये डिस्काउंट कहाँ दिया है मैं आपको दिखा भी देता हूँ। देखिए यहाँ देखिए यहाँ पे दो डिस्काउंट के लेजर लगाए गए हैं, एक तो डिस्काउंट है और डिस्काउंट एट द रेट 5 है, ठीक है। नीचे आते हैं यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर देखिए डिस्काउंट एट द रेट 2.5% दिया गया है, देख रहे हैं। तो ये जब डिलीट कर देंगे ना तो वो भी डिलीट हो जाएगा, यानी वो लेजर डिलीट करने के लिए ये एंट्री डिलीट करनी जरूरी। तो अल्ट डी करके इस एंट्री को आप डिलीट कीजिए, एंटर कीजिए और अब बाहर आइए और बाहर आकर के उस लेजर को डिलीट करने की कोशिश करते हैं जो लेजर डिलीट नहीं हो रहा था, ठीक है। तो यहां से जाएंगे और यहां से लेजर पे जाएंगे और लेजर पे जाने के बाद क्या करना है आपको, लेजर पे जाने के बाद यहां से ये जो डिस्काउंट एट द रेट 2.5% है इसको आप डिलीट कीजिए। देखिए ये डिलीट हो जाएगा, डिलीट हो गया। कुछ इस तरीके से आसानी के साथ आप डिलीट कर पाएंगे। आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।